अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यू की हम लोगों ने मछली पकड़ ली और तो ये जो है ना ये हिंदी में शुअर कहते हैं ना। माय नेम इज रूपम कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और तो क्या है कि मैं तो अभी गाँव आ गया ना, आप लोगों को मैंने उस वीडियो में दिखाया था। तो हुआ यू कि हम लोग अभी मछली पकड़ेंगे तालाब में, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे गाँव में क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग ये है तालाब और ये मछली रखने की एक हिंदी में पता नहीं है आप लोग क्या कहते हो, हम लोग इसको आसामीज में हम लोग इसको खालोई कहते हैं। और ये जो है ना अभी इसमें हम मछली पकड़ेंगे, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं ध्यान से। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे मछली पकड़ेंगे। आएगा ना एक तो आएगा, आ गया हमारे लिए आ गया, देख सकते हो आप लोग। ये एक बार में ही आ गया, कोई ना इतना बड़ा नहीं है। मतलब क्या है कि अभी क्या तो दो तीन महीने के बाद हो गया, आज दो तीन महीने हुआ है इसको। मतलब बच्चे से रहते हैं ना उसके पानी में देने के लिए। अभी ये बड़ा हो जाता है 6 महीने 7 महीने में बहुत बड़ा होता है, 1.5 किलो 2 किलो का होगा। ये तो बस 300-400 ग्राम ही होगा ये। अया ये है, ये थोड़ा सा ऐसा छोटा है, ये छोटा है या छोटी लड़की है लड़का पता नहीं, रहने दे। और ये छोटी छोटी है ये, मतलब क्या है कि वो आप लोग भी पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको पुथी मास कहते हैं सर। वो मुंबई में मिलते हैं लेकिन क्या है कि हम लोग नाम थोड़ा अलग अलग कहते हैं ना। तो ये जो छोटी ये बड़ी मतलब ऐसे बड़े नहीं होते, ये वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत बड़ा होता है, 2-3 किलो होगा। लेकिन अभी क्या है कि इसको हम फिर से उसमें तालाब में डालेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है ना अभी, नहीं हुआ तो बड़ा पकड़ेंगे, बड़ा बड़ा मर जाएगा अभी, नहीं मरेगा। सफा कर पीछे बाकी वो हम लोगों ने मछली को फिर तालाब में डाली, क्योंकि ऐसा है ना मतलब 200-300 ग्राम का ही है। अभी वो हम देखते हैं कि हाफ किलो 1 किलो का कोई मिले तो अभी ये फिर से ट्राइंग करेगा। और मैं तो अभी अंदर हूँ पानी के, पानी में मुझे ना ऐसा नहीं है मतलब पानी तो यहाँ तक रहते हैं सब बारिश में, अभी तो धूप है ना तो इस सीजन में सूख जाता है जल्दी जल्दी। अभी तो मतलब ऐसे करके आएंगे लेग्स तक आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी, आईफोन बार बेची तो हाँ सुनो हाँ ना इतना वर्षों में गहरा ही नहीं है अभी इसमें, क्योंकि क्या हुआ कि अभी इस सीजन में इतना नहीं होता, जब बारिश होते है ना तब तो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको गले तक आएगा ये पानी, लेकिन अभी के लिए नहीं है अभी है ना। अभी मतलब क्या है इतना नहीं होता, बस मछली को रहने के लिए जितना पानी है उतना ही रहता है इसमें। अगर ज़रूरत पड़ी तो मोटर वगैरह हो गया पाइप, उसके बाद पावर पंप से पानी देना पड़ता है फिर से आगे। अरे अभी देख सकते हो इतना बड़ा है, सांगना फिर दोहा नहीं गिना, दोहा नहीं गिनो, अभी मिल गया, आई हो मिल गया। वो देख सकते हो इतना बड़ा है कि दो एक एक निकाल ना एक फिर से सिक्का बहुत है। अभी यही है, ये है मछली, अभी एक को छोड़ देंगे और एक को रख लेंगे। दिया। एक, हो जाएगा हमारा काम बिल्कुल।
बिल्कुल। अभी हम इसको क्या करेंगे, खाएंगे और यही करेंगे। ये अब ये है तालाब, जैसे कि ये है ऐसे करके, और ये घर है ऐसे ही सिंपल है सब कुछ। बहुत ठंडी है इधर भाई, देखो हैंगे हाइडी देखो बे आवश्यक से तुम कभी ना को हेलो बोलियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई कि हम लोगों ने मछली पकड़ ली और ज़रा टाइम नहीं लगा, बस यह है कि इतने से मांस ना दो मांस नहीं मछली, हम आसामीज में मांस कहते हैं उसको और हिंदी में तो मछली ही कहते हैं। तो ये सिर्फ हम लोगों ने दो तीन मिनट चार मिनट में ही पकड़ लिया, मतलब अभी सोच लो एक घंटा होगा तो ये पूरा भर जाएगा, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है इतने क्योंकि है ही तालाब में, ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे खा लेंगे बस वही है। तो ये होगा एक किलो मांस होगा ना, तो ये सभी मिला के एक किलो हो जाएगा। तो एक किलो मांस बस छः पाँच किलो बराबर है। तो वही है वीडियो में, और वीडियो में आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलते तो हम लोग मछली को साफ कर रहे हैं, और ये जो छोटी वाली मछली थी ना, ये हमारी दादी है, और ये मछली है। हम लोग मतलब क्या कहते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही कर लेते हैं ये सब। मुझे भी आता है लेकिन क्या है कि मैं कैमरा मैन हूँ ना, इसको मैं अच्छे से करना ठीक से कर। हाँ, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, तो क्या है कि मैं घर में तो आ गया लेकिन घर में हुई ही नहीं, मैं ऐसे गांव में तो घूमता रहता हूँ कभी कभी, कहाँ पे कहाँ पता नहीं। तो मैं आप लोगों को दो चीज़ दिखाता हूँ मैं घर, हाँ दो ही चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। पहले ये दो दिखा देता हूँ मैं, ये जो है ना ये हिंदी में शुअर कहते हैं ना इसको, मतलब पिग। ये तो मुझे ना ये मर्द है, और ये है औरत, और इसका ये तो इसका ये इसी के बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, और इसके भी बहुत बच्चे हैं। ये मतलब ये जो देख सकते हो ना ये है, और ये जो है ना ये बच्चे हैं इसका, मतलब ये जब सोते रहते ना कैसे पाँच छः महीने में ये जो है ना वो बेचने वाले हो जाते हैं, मतलब कि एक में 3,000-4,000 रुपये मिलेगा, और ये सोते सोते हैं। और ये है, और ये मर्द है, ये सब औरत है, और ये बच्चा है इन लोगों का। मतलब ऐसे रखते क्या है कि जब ये होता है ना, इसके बाद जो मतलब साफ़ करने के लिए मोटर वगैरह है, मोटर से पानी निकल के जो वहाँ से पीछे लगा जाता है, और छुपे हैं, और यही है। और बाकी क्या है कि वही है, तीन टाइम चार टाइम खाना देना पड़ता है, और ये एक क्विंटल होगा ना, और ये 100 किलो का होगा, 100 किलो नहीं तो 90 किलो 80 किलो तो वही जाएगा। बाकी और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये है अब क्या कहते हैं उसको, ये जो इसको खिलाने के लिए है ना, ये चावल है, कभी कभी क्या कहते हैं उसको चावल भी देते हैं, मैगी जो है ना, मैगी क्या कहते हैं जो कंपनी में वगैरह सब रिजेक्ट हो जाता है ना कंपनी में मैगी वगैरह, तो ये मैगी जो कम दाम में मिलता है किलो 30 रुपये में मिल जाएगा, वो देना पड़ता है उन लोगों को, और घर का जो जो चीज़ मिले वही मिलते हैं। और ये है फार्म, मतलब जो बॉयलर खाते हैं ना चिकन, ये अभी नहीं है, मतलब अभी क्या क्या मतलब एक बार तुमने लेके आया तो अंदर में तुम्हारा 45-50 दिन में 2 किलो, हाँ 2-3 किलो बराबर का हो जाएगा, 2.5 किलो हो जाएगा, उसके बेचना पड़ता है। और यही है ये जो फार्म है, ये फार्म है मतलब कि इसमें वही रखते हैं, बाकी अभी नहीं, अभी क्या होगा दिन में ऐसे रखते हैं, और इस यहाँ पे उन लोगों को खाना वगैरह देते हैं, और अंदर लाइट है क्योंकि उन लोग क्या है पता है दो बहुत ठंड में मतलब क्या है कि मुरझा जाते हैं, मुरझा मतलब कि मर भी जाएगा, इसमें कोई मतलब ऐसा है ही नहीं, इसलिए लाइट जो है ना लाइट बहुत देना पड़ता है लाइट की गर्मी से, वो मतलब ऐसा अच्छे रहते हैं। वही है बाकी बहुत बड़ा है ये, ऐसे तो बहुत है, और क्या क्या मतलब है, मैं तो क्या है कि अब उनके घर में गया ही नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। तो एक बार इधर आ गया तो मछली पकड़ना भी दिखा दिया आप लोगों को, ऐसे ब्रॉयलर वगैरह कैसे पालते वो भी दिखा दिया, और बाकी बेले दिखाएंगे कभी और बहुत दिखाएंगे। तो ये वीडियो में सिंपल सा ऐसा है कि गांव में कैसे रहते हैं वो बस दिखाया मैं आप लोगों को, ताकि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।